नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी कोशिश यही रहती है कि रसोई के चमत्कार के माध्यम से हम कुछ अच्छा अनुभव आपके साथ शेयर करें। आज की रेसिपी भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आपसे शेयर कर रहे हैं। वातावरण में प्रदूषण का प्रकोप पूर्णतया फैला हुआ है और साथ ही सर्दी का मौसम भी आ गया है। इन दोनों कारणों से अधिकतर लोग खांसी, नजला और सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। इससे राहत पाने के लिए मैं घरेलू नुस्खा आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे स्वयं पर आजमाया है, इसीलिए इसका लाभ सबको मिल सके ये सोचकर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी रसोई में ही चमत्कार छिपे हैं। इस रेसिपी का लगभग सारा सामान हमारी रसोई में से ही उपलब्ध हो जाता है। केवल बनफ्शा हमें पंसारी की दुकान से लाना पड़ेगा और तुलसी का पंचांग बगीचे से। तो चलिए सामग्री दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें तुलसी का पंचांग लेना है। कहते हैं तुलसी के पत्ते ही नहीं, इसका हर भाग बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। मेरा यह पौधा लगभग सूख गया था, उसे मैंने धोकर संभाल कर रख लिया था। उसे ही मैं पंचांग के रूप में यहाँ इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तुलसी का पौधा है, इसके सभी भाग तोड़कर मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं। ये तुलसी की जड़ है, तना, ये पत्ते, टहनियाँ और ये बीज है। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसके अतिरिक्त हमने यह सामग्री और इकट्ठी कर ली है जो हमारी रसोई में ही उपलब्ध हो गई है। ये सौंफ है, ये लौंग, काली मिर्च, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, मुलेठी का पाउडर, ये सौंठ का पाउडर है। और हम सब जानते हैं इन सभी चीजों को अलग अलग काढ़े बनाकर इस्तेमाल करते ही हैं। तो जब हम इन्हें उपयुक्त मात्रा में इकट्ठा मिलाकर यूज करेंगे तो यह बहुत लाभ देंगे। तो चलिए पहले तुलसी के पंचांग को हमाम दस्ते में डाल देते हैं, क्योंकि यह सख्त और मोटा है। इसे हम पहले कूट लेंगे ताकि ग्राइंडर में डालकर पीस सके। ये बनफ्शा हमने ले लिया है। बचपन से ही जुकाम होने पर हमारी माँ इसका काढ़ा बनाकर हमें पिलाया करती थी, तो इन सब के साथ मिलकर यह पूरा लाभ देगा ही। अब हम पंचांग को छोड़कर शेष साबुत चीजों को ग्राइंडर में डाल लेते हैं। दालचीनी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे और अब यह बनफ्शा भी डाल लेते हैं और ग्राइंडर को बंद करके मिक्सी पर फिट कर लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब खोलकर देखते हैं। अभी बनफ्शा नहीं पिसा क्योंकि यह हल्का है। अब हम इसमें सौंठ और मुलेठी का पाउडर भी डाल देते हैं और अब इन सबको पीस लेते हैं। यह लीजिए, ये सब चीजें तो पिस गईं। इन्हें थाली में निकाल लेती हूँ। अब कुटे हुए पंचांग को हमाम दस्ते से निकालकर ग्राइंडर में डालकर हम इसे बारीक पीस लेते हैं। ये थोड़ा समय लेगा पिसने में। यह लीजिए, पंचांग भी पिस कर तैयार हो गया है। इसे भी हम थाली में डाले हुए पाउडर में मिक्स कर लेते हैं। ये तैयार हो गया हमारा काढ़ा बनाने के लिए पाउडर। ये थोड़ा मोटा पिसा है लेकिन काढ़ा बनाने में चल जाएगा। अब इसे प्रयोग करने की विधि भी जान लेते हैं। इसे हम तीन प्रकार से सेवन कर सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए एक गिलास पानी पैन में डालिए, उसमें आधा छोटा चम्मच ये पाउडर डालकर चूल्हे पर धीमी आंच पर ढककर उबाल लें, जब तक ये आधा ना रह जाए। ये अब देखते हैं, पानी जो है आधा रह गया है। अब हम इसे ग्लास में या कप में निकालकर एक चम्मच शहद मिलाकर गर्मा गर्म इसे सुबह की चाय की जगह धीरे धीरे सेवन करें और रात को सोते समय इसी प्रकार पी लें। सावधानी रखें, इसके ऊपर से पानी ना पिएं। यदि खांसी छिड़ गई हो तो एक चम्मच शहद में इस पाउडर को छानकर आधा चम्मच पाउडर शहद में मिलाकर चाट लेंगे तो खांसी से राहत मिल जाएगी। अब एक तीसरा प्रयोग हम इसे ग्रीन टी के तौर पर कर सकते हैं। मधुमेह के रोगी इसमें शहद के बिना भी इसे पीकर इससे लाभ उठा सकते हैं। अपने और परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप इसे बनाइए और सेवन कीजिए और अपने अनुभव रसोई के चमत्कार पर अवश्य शेयर कीजिएगा। वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।